हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने टीवी या फिल्मों में देखा होगा कि किसी फीमेल को उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा है, इसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में अलग अलग टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। मेरा नाम है अर्चना, वेलकम टू माई चैनल द वुमेन कनेक्शन। अब सबसे पहली बात, चाहे लड़का हो या लड़की हो या ट्विन प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं आता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए सबके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। अब वैसे तो प्रेगनेंसी का सबसे रिलायबल साइन होता है पीरियड्स का मिस होना, बट पीरियड्स के मिस होने से पहले भी कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में भारीपन या पेन होना, बार बार यूरिन जाना, थकान महसूस होना या फिर ब्लोटिंग और क्रैम्प्स। अक्सर ये सिम्टम्स पीरियड से पहले होने वाले सिम्टम्स यानी कि पीएमएस की तरह ही होते हैं, इसलिए इससे ये अंदाज़ा लगा पाना कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो प्रेगनेंसी के सारे लक्षण जानने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। मैं आगे आपको अभी प्रेगनेंसी के और भी लक्षण बताऊँगी। इसमें मैं आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड एबनॉर्मल प्रेगनेंसी दोनों के लक्षण बताऊँगी। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहले दूसरे हफ्ते में आपको और भी कुछ लक्षण दिख सकते हैं। जो अभी हमने लक्षण डिस्कस किए हैं उनके अलावा दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना या फिर कॉन्स्टिपेशन या वजाइना से ज़्यादा फ्लूइड का निकलना। ये सारे सिम्टम्स आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक रह सकते हैं, और साथ ही आपको कभी कभी एसिडिटी या फिर फूड क्रेविंग भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने के कारण होता है। इसी तरह एसिडिटी भी प्रोजेस्टेरोन लेवल के बढ़ने के कारण होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पेट एंड आपके फूड पाइप के बीच के वॉल को रिलैक्स कर देता है, जिससे कि आपके पेट में मौजूद एसिड फूड पाइप में चला जाता है और आपको जलन महसूस होती है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की। इसके भी कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। ये प्रेगनेंसी आपको बच्चेदानी में ना होकर बच्चेदानी के बाहर होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षण हैं पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना और चक्कर आना। कभी कभी तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस तरीके की कंडीशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।